नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की दिशा और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों आज हम एक ऐसे ज्वलंत मसले पर बात कर रहे हैं जो आज का नहीं है। ये मसला, ये मुद्दा बहुत पुराना है लेकिन आज भी बिल्कुल वैसे ही विद्यमान है जैसे पहले था। हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की। आज भी देश में बालिका वधुओं की संख्या कम नहीं हुई है। कोशिश तो बहुत की जा रही है और कहा भी जाता है कि नहीं, अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, बाल विवाह कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़े कुछ और ही बोलते हैं। एक 2022 की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाल विवाह निषेध कानून अधिनियम के तहत कोर्ट में लगभग 3,563 मामले लंबित थे, जिनमें से मात्र 181 मामलों पर ही सुनवाई पूरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि लंबित जो मामले हैं उनकी संख्या है 92%, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ये तो हो गया एक आधिकारिक रूप से आंकड़ा। वहीं कुछ और रिसर्च सामने आई हैं, उनके अनुसार माने तो देश में आज भी 16 लाख से ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, पहले हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। 2022 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुल 3,563 मामले, केवल 181 मामलों में ही सुनवाई पूरी होने तक सफलतापूर्वक हो पाया है निपटारा। लंबित मामलों की दर है 92% और दोष सिद्धि दर 11%। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के अध्ययन दल की रिपोर्ट टुवार्ड्स जस्टिस इंडियन चाइल्ड मैरिज की जारी की गई रिपोर्ट, भारत में हर मिनट 3 बच्चियों की जबरन कर दी जाती है शादी। साल 2022 में देश भर में प्रतिदिन केवल 3 मामले दर्ज किए गए, जबकि ज्यादातर मामलों में दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक थी। जनगणना के अनुमानों के अनुसार हर साल हो रहे 16 लाख बाल विवाह। तो देखा आपने, ये है आंकड़े, ये है सच्चाई, ये वो सच्चाई है जिसे छुपाने की कोशिश की जाती है। आज भी ना जाने कितने मासूम बच्चियों के हाथ से पैन को छुड़ाकर मेहंदी लगा दी जाती है। ना जाने कितने ऐसे लड़के हैं जिनको खेलने कूदने की उम्र में दूल्हा बना दिया जाता है और ता उम्र वो इस बोझ को ढोते रहते हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कहना कुछ और है और करना कुछ और। असम में कुछ इसी तरीके का माहौल था, जिसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने लगातार इसके प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की और कोशिश की कि जो भी इस तरीके के मामले में संलिग्न माना जाता है या फिर दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह से जुड़े हुए मामलों में 14 साल से अगर कम उम्र की कोई लड़की है और उसकी शादी करवाई जाती है तो इसको पॉक्सो एक्ट से भी जोड़ दिया गया। असम में इस तरह की कार्रवाई के बाद अगर देखा जाए तो बाल विवाह पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण पाया जा चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर किसी भी बुरी चीज़ को, किसी भी कुरीति पर अगर काम करना है, उस पर काबू पाना है, तो पूरे देश को असम से कहीं ना कहीं मैसेज लेना चाहिए, संदेश लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और ख़ासकर बाल विवाह के ऊपर। इस रिपोर्ट से एक और खुलासा ये भी हुआ है कि जहां दलीलें दी जाती हैं हर सरकार की ओर से कि बाल विवाह नहीं हो रहे, वहीं चोरी छुपे बाल विवाह हो रहे हैं और उसके साथ ही जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं बड़ी संख्या में, न जाने ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनको इस बाल विवाह जैसी कुरीति के कारण अपने पूरे जीवन में, पूरे जो उनके सपने होते हैं उनकी तिलांजलि देनी पड़ती है। इस तरह की खबरों के लिए देश की दिशा देखते रहिए। फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। बने रहिए न्यूज़ टाइम्स टुडे पर। नमस्कार।